तुम जहीर के क्या लगते हो? कुछ नहीं लगता। एक मिनट, कुछ नहीं लगते हो? नहीं। शर्म नहीं आई है? किस चीज? ये जो कुछ भी किया है। मैंने क्या? ये जहीर की माँ को बुलाओ ना जरा। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। जहीर पुलिस की हिरासत में, बचाओ बचाओ के नारे लगने लगे। मेहदी अली कासमी की दुआएं रंग ले आईं। मेहदी अली कासमी अपनी बेटी को ले जाने के लिए लाहौर पहुंच जाएंगे जल्द ही, और कस्टडी उनकी बेटी के नाम होगी। बेटी की जान को खतरा, क्या कहा उनकी वालदा ने। जिब्रान नासिर का तहलका खेज इंटरव्यू सामने, और तफ्तीशी अफसर को भी अदालत में बुला लिया। क्या क्या हुक्मनामा जारी किया, मुकम्मल आगाही देंगे आज के इस वीडियो में, और बताएंगे 2000 केस में जहीर जो मुलजिम हैं उसको अदालत में पेश किया गया। उसके अदालत में वो आया तो कैसे तासुरात थे, कैसे मुंह छुपाता फिर रहा था। बहन जो हैं उनकी वालदा और भाई भी वहाँ पर मौजूद थे। तमाम दर तफसीलत आपको आज के इस वीडियो में देंगे, क्योंकि जहीर फैमिली को पड़े हैं जान के लाले। अब उन लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं शुरू, और सबसे पहले आपको एक अहम खबर देते चलें। आप सभी जानते हैं कि आज समाअत थी, दरख्वास्त दायर की गई थी जिब्रान नासिर और मेहदी अली कासमी की तरफ से, के जो गवाह है और निकाह ख्वाह हैं, जिसकी दरख्वास्त दी गई थी जिनके बारे में कि इन्हें रिहा कर दिया जाए, क्योंकि ये केस जो है वो सी क्लास का है, इसमें कोई भी इतनी रियलिटी नहीं है, सो इसको बर्खास्त करते हैं। लेकिन अब अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया है, और इनकी तफ्तीश करने के लिए अहकाम जारी किए हैं तफ्तीशी अफसर को। खवातीन हज़रात, आज की इस वीडियो में बताएंगे 2000 केस के हवाले से जब अदालत में पेश हुए जहीर, तो उनके क्या तासुरात थे। वो अदालत में गए, उनकी वालदा और भाई वगैरह मौजूद थे, कैसे लोगों ने इन्हें आड़े हाथों लिया, मीडिया के हाथों किस तरह से ये जलील हुए, तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि शोबे से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। 2000 केस जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जितना लंबा होता जा रहा है, इसकी गिरहें भी खुल रही हैं अब, और एक अच्छी पेशरफ्त हो रही है, एक अच्छे अंजाम की तरफ ये जा रहा है। 2000 के वालिद जो काफ़ी परेशान थे, उन्हें यही उम्मीद दिखाई दे रही थी कि कोई इंसाफ देने वाला नहीं है, और इंसाफ के अदारों से भी वो नाउम्मीद होने वाले थे, लेकिन उन्हें अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। सो उन्हें ये कामयाबी हासिल हुई, जहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट इनकी बच्ची की 14 साल से चंद माह आई है, वहीं पर अब निकाह ख्वाह और गवाह की जो है उनको नहीं निकाला गया है, बल्कि वो उनको अपनी कस्टडी में ही रखने के लिए जो है कहा गया, और इनसे और भी ज़्यादा तहकी करने के लिए कहा गया है, इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो ऑफिसरान हैं उनसे। जिब्रान नासिर की ज़ुबानी तमाम तफसीलात भी बताएंगे, वीडियो क्लिप भी शेयर करेंगे, और आपको यहाँ बताते चलें ज़रा केस का जो सबसे बड़ा मुलजिम है, जिसने अगवा भी किया, इसके अलावा इसके ऊपर जना का केस भी बनता है, और एक नाबालिग लड़की को जो है वर्गलाया अपने माँ बाप के खिलाफ, बहुत से एक्ट इन पर वाजिब होते हैं, और गिरफ्तारियाँ शुरू होने जा ही रही हैं। तो वहीं पर एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया है, इन्हें अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, तो कभी इधर तो कभी उधर ढूंढते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, अपने आप को छुपाने के ज़रिए ढूँढ रहे हैं। सो उन्होंने 14 जुलाई तक जो है वो अपना एक दायर किया लाहौर हाई कोर्ट में, दरख्वास्त जो मंजूर कर ली गई है वो ये कि बर अज वक्त उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो दरख्वास्त थी कि उनकी गिरफ्तारी ना हो, वो 14 जुलाई तक मंजूर कर ली गई है। इसके बाद जो है 2000 के केस में जो है मुलजम ये जनाब जहीर को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी तो उसने गिरफ़्तारी से पहले यार क्योंकि इसकी गिरफ़्तारी हो जानी थी, लेकिन इससे पहले ही इसने लाहौर हाईकोर्ट से अपनी दरख्वास्त दायर कर ली, और कबल इस वक्त गिरफ़्तारी के नोटिस को जो है वो मुस्तरद करवा लिया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, देर से उसे पकड़ा जाएगा, लेकिन पकड़ा ज़रूर जाएगा, और वो गिरफ्त ऐसी होगी जिससे वो छूट नहीं पाएगा। अवधि हज़रा 2000 के इंटरव्यू के बाद तमाम लोग काफ़ी डर भी गए हैं, कि 2000 से उस इंटरव्यू में ये कहलवाया गया कि वो अगर जहीर को कुछ होता है तो वो ख़ुदकुशी कर लेगी। तो यहाँ पर लोग ये साफ़ कह रहे हैं कि भाई 2000 के तासुरात और अंदाज़ तो ये वाकई में नहीं कहता, क्योंकि हमने वीडियो और हर चीज़ को बड़े ही गौर से अंदाज़ में देखा है,
और ये जान पाए हैं कि बच्ची के साथ तशद्दुद भी हुआ था इस वीडियो से पहले और उसे मजबूर किया गया है कि वो इस तरह का बयान जारी किया जाए। उनके वालिदैन का भी बयान आ चुका है कि हो सकता है इनकी बेटी को कुछ कर दिया जाए और बाद में खुदकुशी का इल्ज़ाम दे दिया जाए। सो उन्होंने ज़हीर का नाम लिया है कि अगर उनकी बेटी को कुछ होता है तो वो ज़हीर जो है इसका ज़िम्मेदार होगा। ख़वातीनो हज़रात, अब बात सिर्फ इतनी है कि दुआ ज़हरा केस में जहाँ पर एक नॉर्मली काम चल रहा था, एक दूसरे पर जो है अदालती तौर पर काम कर रहा था, लेकिन अब पर्सनली हो चुके हैं और दुआ ज़हरा को अब बहुत ज़्यादा उसकी जान को ख़तरा है। इसलिए कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं वो इसे लाहौर से कराची ले आएँ और इसी के बारे में अब दरख्वास्त भी दायर की जाएगी इंशाल्लाह। और उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से को बेहतरी की तरफ ये काम जाएगा और इन दरिंदों से उस बच्ची को बचाएगा। ख़वातीनो हज़रात, सुनवाते हैं आपको जिब्रान नासिर की ज़ुबानी भी उनका ज़बरदस्त सा मौक़िफ़। उन्होंने अदालत में क्या कुछ बयान किया, दरख्वास्तें क्या दी गई और क्या कुछ उनकी अच्छी जो खुशखबरी है उसके हवाले से क्या ख़बर आई है उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। इसके अलावा आपको सुनवाएँगे कि तफ्तीशी अफसर के पास क्या चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वो भी दिखाएंगे और सुनवाएंगे। आज ही आपके इल्म में है कि पोस्ट अरेस्ट बेल लगी हुई थी। इसमें जो मरकज़ी केस का जो निकाह ख्वां है उसकी और एक गवाह असगर अली की, तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा निकाह ख्वां असगर अली की बेल थी। हमने इसमें आर्ग्यू किया कि हकायक केस के और फैक्ट्स बदल गए हैं जब बच्ची की नई एज आई है। उसके अलावा जो निकाह ख्वां के हवाले से स्पेसिफ़िक इंस्ट्रक्शंस हैं लाहौर हाई कोर्ट्स की भी और सिंध के कवानीन के हवाले से भी कि जब तक वो एज वेरीफाई ना कर लें, क्रेडेंशियल्स वेरीफाई ना कर लें, नादरा के डॉक्यूमेंट्स ना देख लें, वो निकाह नहीं करवा सकते। और कैसे इस तरह से ओरली एक बच्ची के ज़बानी सुन के और वो भी नहीं पता किस हालात में उसने गवाही दी, आपने एक निकाह नामे पर उसकी उम्र 18 लिख के निकाह नामे को एज सर्टिफिकेट बना दिया और कंसीलमेंट ऑफ किडनैपिंग जिसकी उतनी ही सज़ा जितनी किडनैपिंग की होती है उसमें आपने अपना हिस्सा डाला। उसके अलावा जो इसके अंदर बाकी ऑफेंसेस ऑलरेडी ज़ेरे इन्वेस्टिगेशन है उसका हमने जिक्र किया। मज़ीद ये कि जो बेल एप्लीकेशन आज फाइल की गई थी उसमें ये बात रिवील नहीं की गई अदालत के सामने कि जी ये सी क्लास चलान कैंसिल हो चुका है, इसमें फर्दर तफ्तीश आ चुकी है, इसमें 20 तारीख को सप्लीमेंट्री चलान के लिए रखा हुआ है, वो मामला भी आने चाहिए। और फिर क्रिमिनल मैटर्स के हवाले से सिंध हाई कोर्ट के जो रीसेंट जजमेंट्स हैं, देखिए बच्ची की स्टेटमेंट पे अभी तक जो बात सारी हो रही है वो हफ्ज़े बेजा के अंदर रिलाई किया गया था, टेंटेटिव केस होता है कि बच्ची को छोड़ना है कि नहीं। जहाँ क्रिमिनल ट्रायल होता है और क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं किडनैपिंग के हवाले से, सेक्शुअल ऑफेंसेस के हवाले से, वहाँ अंडर एज बच्ची की स्टेटमेंट पर गौर नहीं किया जाता, बेल भी डिनाई की जाती है, सज़ाएँ भी दी जाती हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने हमारे मौक़े से एग्री किया, हम शुक्रगुजार हैं प्रोसिक्यूटर साहब के भी, उनके भी दलाइल हमारी सपोर्ट में थे और अकॉर्डिंगली अदालत ने जो है वो डिसमिस कर दिया। अब सुनते हैं तफ्तीशी अफसर के बयानात, क्या कहना था अदालत के हुक्मनामे के बाद उनका। इन्वेस्टिगेशन के बाद सर लगता है केस मजबूत हो रहा है, अच्छा आगे जा रहा है। हाँ, बहरहाल 20 तारीख को जो हम फाइनल देंगे सप्लीमेंट्री चालान, ठीक है, उसके बाद जो है ना इन दो मुल्जमान को अब जमानत अदालत ने फिलहाल मंजूर नहीं की 20 के बाद फाइनल चालान के बाद।